जो दुनिया का खुला हुआ कायदा है, दुनिया में कोई आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो छोटे बनने का इश्तिहार करता हो। अगर आप लोग हैं तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता हूं। हर आदमी को एक ही फिक्र होती है कि हम बड़े हो जाएं, छोटे बड़े मर्द औरत, किसी उम्र का रहने वाला हो, किसी कबीले का हो, किसी रंग का हो, किसी शक्ल का हो, किसी नसब का हो, लेकिन हर आदमी के अंदर एक ही जज्बा पाया जाता है कि हम बड़े हो जाएं। वो तो मुकद्दर की बात है कि बड़ा हो जाए, लेकिन अगर न हुआ तो जज्बा मरता नहीं है। जब बुजुर्ग की नसीब नहीं होती तो इस्तकबार शुरू होता है, बड़े बनने का हौसला, बड़े बनने का मुजाहरा, और आखिर इतना बड़ा बन जाता है कि कुरान सनद देता अबा वस्तकबर, जाने को सनद नहीं मिलती है। तो हर आदमी के अंदर, इंसानों में भी, जिन्नात में हर जगह यह ख्वाहिश पाई जाती है कि हम बड़े हो जाएं, लेकिन बड़े होने का तरीका क्या है? अगर आप बड़े दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है कि जेब में 10 डॉलर रखे हों और बड़े आदमी हो जाए। अगर बड़ा दौलतमंद बनना है तो बड़ी दौलत चाहिए, तवज्जो फरमाएं। अगर बड़ा ओहदेदार बनना है तो ये मुमकिन है कि दफ्तर में चपरासी हों और बड़े आदमी हो जाएं, बड़ा ओहदा चाहिए। तो जो जिस लाइन में बड़ा होना चाहता है, जब तक बड़ाई उसके पास नहीं आएगी बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते लोग बड़े आलिम कहें आपको, तो 2 किताबें पढ़ लीजिए, कारोबार नहीं हो सकता, मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। जब बड़ा इल्म आ जाएगा तो बड़े आलिम हो जाएंगे। तो बड़े ओहदे से बड़ा मनसबदार, बड़े माल से बड़ा सरमायादार, बड़े इल्म से बड़ा आलिम, जिस लाइन में बड़ा होना होगा पहले वो दौलत तो आपके पास आए जो बड़ी दौलत हो, तवज्जो फरमाएंगे। अब कुरान मजीद के जुमले की कीमत पहचानिए, अल्लाह ने कहा मेरी छोटी सी रिदा भी बहुत बड़ी शय है। ये कौन कह रहा है? वो परवरदिगार जो कुल सरमाए दुनिया को कलील कह रहा है। कुल मताउ दुनिया कलील, पैगंबर आप कह दिए ये दुनिया का सारा सरमाया मेरी निगाह में कलील है, थोड़ा, इसकी कोई औकात नहीं। तो जिस खुदा की निगाह में पूरी कायनात की कोई औकात नहीं, उस खुदा की निगाह में अपनी मुख्तसर रिदा भी बहुत बड़ी शय है। क्यों परवरदिगार ने कहा मेरी रिजा बड़ी शय है? कि जब किसी को बड़े बनने का शौक हो, तवज्जो फरमाएंगे, अगर किसी को बड़ा बनने का ख्याल पैदा हो गया तो ये काम माल से नहीं हो सकता, ये काम मुख्तों से नहीं हो सकता, ये काम सरमाए से नहीं होगा। रिजाए खुदा हासिल करो, निगाह परवरदिगार में बड़े हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ये ऐलान करता है कि मेरी मुख्तसर रिजा भी बहुत बड़ी शय है। तो जिसके पास रिजाए खुदा मुख्तसर भी आ जाए, तवज्जो फरमा दीजिए, अगर रिजाए खुदा मुख्तसर भी हासिल हो जाए तो इंसान बड़ा भी हो जाएगा। क्यों? इसलिए उसके पास बड़ा सरमाया आ गया है। तो जब मुख्तसर रिजा से इंसान बड़ा हो सकता है, तो सोचो उस इंसान की अजमत का आलम क्या होगा जिसको मुजस्सम रिजा कहा गया हो, जो रिजाए खुदा को यूं हासिल कर ले उससे बड़ा कोई नहीं होगा। यही वजह है कि हमने देखा कि इमाम तारीख की जिंदगी में यही रिजाए खुदा एक बुनियाद है जिसने उनकी अजमतों का ऐलान किया है। दुनिया वाले खुश हो या ना खुश हो, रिजाए खुदा हासिल हो जाए, यही इंसान की अजमत की सबसे बड़ी दलील है। एक सलाम।